डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम करते हुए हमारे जिन्होंने टूरिज्म को पर्यटन में बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के बड़े उद्यमी थे, लेकिन भारत में आकर भारत का नागरिक बनकर उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा को आगे ले जाने की कोशिश की और आज जो अपने बीच में नहीं है, लेकिन वो चले गए हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे जीवन में आज है। टूरिज्म का जो विचार है, जो समानता पर आधारित है, शांति पर आधारित है, सुरक्षा की कोरोना पर आधारित है, मानवता पर जो आधारित है विचार बनाई, उस टूरिज्म का प्रचार जिंदगी भर करते रहे। दिल्ली हो, बोधगया हो, कलकत्ता हो, कई शहरों में उन्होंने अपने सेंटर खड़े किए और एक बार उत्तर बिहार से राज्यसभा में भी वो मेंबर रहे। मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संपर्क, बीच में एक उत्तर प्रदेश में एक बौद्ध धर्म के युवकों की यात्रा निकली थी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को भारी उत्तरों से जीतना ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार बाबा साहब का संविधान बिल्कुल से बदलेगी। आरक्षण निकालने की चर्चा होती है, लेकिन आरक्षण बिल्कुल दलितों का नहीं निकाला जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनके चीफ मिनिस्टर के बंगले में कम से कम 6-7 फीट की बुद्धा की मूर्ति उनके घर में जब अपन अंदर प्रवेश करते थे, वहां बुद्धा की मूर्ति है। नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे, तब गांधीनगर के मंत्रालय में कम से कम 10-12 फीट की जो बुद्धा की मूर्ति जब अपन इंजीन करते थे, तब वहां बुद्धा की मूर्ति है। जरूर मतलब नरेंद्र मोदी जी हिंदू है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी और गौतम बुद्ध के विचारों को मानते हैं। चाइना के भिक्षु हुए सर जी है, वो उनके गांव में आए थे, उनके गांव में जो उनका मूल गांव है वहां बुद्धिस्ट भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर था और वहां एक जो बड़ा बुद्ध विहार बनाने का पहला नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जी के संबंध मेरे साथ बहुत अच्छे थे। उन्होंने मतलब ये सरकार को यूपी में सरकार आने में धम्मर विरोध जी का भी बहुत बड़ा सहयोग था और आज हमारे बीच वो नहीं है, वो भिक्षु संघ के संघ चालक थे और उनको आदरणीय अर्पित करने के लिए आज यहाँ हमारी सुमित्रा जी है, शर्मा अगर जी है, योगी बहुजन पार्टी से संबंधित जो हमारी ट्रेड यूनियन है उसकी वो अध्यक्ष है, यहाँ हमारे मंत्री गौरानंद जी है जिनको अभी संगठन आयोग बनाया है, राहुल मोदी जी है हमारे कोई चाहे है वो संगठन आयोग बनाया है, हमारे मंत्री रॉकी जी हमेशा जी के साथ होते थे और वो यूपी की यात्रा में शायद आप उनके साथ बहुत दिलचस्प रहे हैं। उनके साथ दूसरे हमारे बंदे प्रज्ञा जी महाफेरो और दूसरे हमारे शिव प्रकाश जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, दूसरे हमारे आज का प्रोग्राम का संयोजन करने वाले हमारे आनंद जी है, हमारे बीजेपी के माइनॉरिटी स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के मोहम्मद इरफान जी है,
पहले हमारे स्वतंत्र गुरुनानंद जी महाप्रभु जो है उनको अमर गुरु जी के जगह पर संगठन आए नियुक्त किया है, उसके लिए उनके सम्मान का भी जो प्रोग्राम है वो भी आज यहाँ हो रहा है। तो अमर गुरु जी का अधूरा सपना पूरा करने के लिए, अधूरा काम पूरा करने के लिए जिंदगी में मानव की जिंदगी में मानव की जिंदगी एकदम खत्म होती है, लेकिन उनके विचार अभी खत्म होती है, उनकी यादें अभी खत्म होती नहीं है, चला जाता है, लेकिन शरीर जाने के बाद उनकी जो यादें है उनका जो काम है ये काम अपने स्मरण में रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी आज हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन जितने अम्बेडकर थे वो मतलब बहुत अम्बेडकर मिलीटेंट हो सकते हैं, घर घर में अम्बेडकर पैदा हो जाएगा। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा के कारण, उनके आंदोलन के कारण आज पूरे भारत के तमाम दलितों में बहुत बड़ी जागृति आई है, शिक्षा में बहुत ही आगे वो जा रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कभी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया, लेकिन नाथिज्म का विरोध किया, उन्हें विषमता का विरोध किया, उन्होंने अंधश्रद्धा का विरोध किया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी येवला के कॉन्फ्रेंस में आरोप किया था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं हिंदू करके नहीं मानूंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने चमता होकर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। उस बौद्ध धर्म के बाबा साहब का सपना था कि मैं सारा भारत बौद्ध धर्म बनाऊंगा। सम्राट अशोक के पास पूरा भारत देश बौद्ध नहीं था, सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैक सूर्य बौद्ध थे, उसके बाद वो हिंदू कुछ लोग मरे बन रहे, कुछ लोग मुस्लिम बन रहे, कुछ लोग जैन बन रहे, कुछ लोग सिख बन रहे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भी विचारधारा अपनाई है ये मानव था को मानव बनाने वाली विचारधारा है, और उसी बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा का धागा पकड़ते हुए हमारे महाथेरो तमर विरोध जी एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, सबके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, पॉलिटिकल लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध थे, रिलीजियस लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध थे, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से उनके अच्छे संबंध थे, पूरे दुनिया में उनका नाम भी था और बहुत गया है उसमें बहुत बड़ा नेतृत्व उन्होंने खड़ा किया है। 3 दिसंबर को उनको आदरणीय अर्पित करने के लिए बहुत गया में भी उन्होंने हिंदू संघ की तरफ से आपने जो प्रोग्राम रखा है उसमें उनको लोग आए गए। तो आज मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मेरी पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टी है, उस पार्टी की ओर से और जिस नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ, हमारे सरकार की तरफ से भी मैं तमाम विरोध जी को बहुत आदरांजलि अर्पित करता हूँ। और जो जिम्मेदारी करुणानंद जी के ऊपर आई है और मोदी जी के ऊपर आई है दोनों को भी मैं आधिकारिक बधाई दे देता हूँ कि आपने मतलब दोनों गुरु जी का अधूरा काम पूरा करने के लिए आपने आगे बढ़ना है, हम आपके सरकार से और हम बौद्ध धर्म को 3 नवंबर को बोध गया में बहुत बड़ा एक सम्मेलन वहाँ होगा, वहाँ दोनों गुरु जी की अस्थि वहाँ ले जा रहे स्थापित की जाएगी और वहाँ मतलब पूरे देश भर के लोग आ रहे हैं, आपको हमारा निवेदन है निमंत्रण है कि आपको भी वहाँ आना है। उसी तरह 3 नवंबर को मोहम्मद गुरु जी को आदरांजलि अर्पित करने के लिए और बहुत अपने पुस्तक की दिशा आगे क्या रहेगी ये तय करने के लिए वहाँ एक सम्मेलन भी होगा और उस सम्मेलन में हम आगे की दिशा तय करेंगे। जब उनके साथ अपने को एक बार मैंने राष्ट्रपति से बात किया है, रामनाथ कोविंद का महामहिम रामनाथ कोविंद जी के उन्हें 8 दिन पर मिला था और उनको मैंने बताया है कि हम एक बौद्ध धर्म का सम्मेलन लेना चाहते हो विज्ञान भवन में या मुंबई में विद्या भवन, क्योंकि उन्होंने आने का तय किया, उन्होंने बताया कि डेट तय करो मुझे बताइए और वो भी मतलब उसमें आ जाएगी। उसी तरह अपने को इंटरनेशनल बौद्ध धर्म की जो मंत्रालय हुए अपने बनी है तो मैं एज ए पुलिस मिनिस्टर के नाते मैं यहाँ गुरु जी को करता हूँ और आपका पूरा सपना पूरा करने की ताकत मिले, हम आपको आपके विचारों को बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बौद्ध धर्म के विचारों को आगे ले जाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। शब्दों के साथ मैं
संतोष जगत को रहता हूँ। नमो बताए जय भीम जय भरत।